दोस्तों ये है जो कि ओला S1 प्रो, जो कि एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है, जो कि इसका दोस्तों अभी मैं लास्ट में बताऊंगा इसका प्राइस और जो कि लाने का तरीका एंड क्या कुछ हुआ है हमारे साथ। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो गाड़ी जो कि स्टार्ट हो चुका है, जो कि यहाँ पे देख सकते इसका लुक एकदम जबरदस्त है, एक रोबोट की लुक है इसका, जो कि हेड के अंदर है ना इलेक्ट्रिकल, जैसे इलेक्ट्रिकल में जो रोबोट होता है ना उस टाइप का ये इलेक्ट्रिक स्कूटर है। तो यहाँ पे देख सकते हो जो कि कुछ ओवरऑल जो कि स्कूटर का व्यू, यहाँ पे सब कुछ देखने में बहुत ही जबरदस्त है। एंड सबसे ज्यादा अच्छा लगा जो कि सबसे हाईएस्ट कलर यानी 10 कलर में अवेलेबल है ये वाला स्कूटर। तो आप चाहे तो इसको परचेस कर सकते हो, जैसा आपका मर्जी है उस टाइप का कलर। तो इसको परचेस करके जो कि 2 दिन हुआ है, तो 2 दिन का क्या एक्सपीरियंस है वो भी बताऊंगा, तो लास्ट तक बने रहना। यहाँ पे दोस्तों इसके अंदर जो कि सबसे पहले कुछ फीचर्स के बारे में हम बात करते हैं, उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे इसका जो कि प्राइस है, उसके बाद हम इसको लाना कैसे लाया हूँ ये भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जो कि इसका मेन कुछ मतलब जो कि ज़्यादा जो कि हमें देखने की ज़रूरत है वही बताऊंगा। जो कि सबसे पहले इसका जो कि मेन जो कि मोटर है, तो ये दोस्तों बेल्ट वाला जो कि मोटर इसके अंदर लगा हुआ है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे इसका जो कि वो है। तो यहाँ पे दोस्तों शायद से नहीं दिख रहा है, यहाँ पे दोस्तों जो कि इसका मेन जो कि मोटर है ये वाला जो कि आपको दिख रहा है दोस्तों, इसका जो कि मेन मोटर है। एंड यहाँ पे दोस्तों जो कि इसका पीछे का जो कि सकब्जर है यहाँ पे देख सकते हो, यानी जो कि इसका चक्का है। दूसरे दोस्तों जो इलेक्ट्रिक जो स्कूटर है ना या फिर इलेक्ट्रिक जो गाड़ी है उसके अंदर यहाँ पे जो कि मोटर लगा हुआ है, तो वो दोस्तों उतना RPM नहीं है, उतना बेटर जो कि परफॉर्मेंस नहीं देगा ये दोस्तों। बेटर परफॉर्मेंस के लिए यहाँ पे जो कि इसका मोटर है, जैसे इंजन रहता है ना वैसे ही है। एंड यहाँ पे दोस्तों इसका जो कि चक्का एंड जो कि क्वालिटी ठीक है, और C8 जो कि कंपनी का जो कि टायर इसके अंदर यूज किया है। एंड यहाँ पे दोस्तों इसका जो कि मेन अच्छा चीज है, यहाँ पे जो कि इसका बैटरी है जो कि 4000 mAh के इसके अंदर 4000 वाट की दोस्तों इसके अंदर बैटरी यहाँ पे मेंशन है। और एक कुछ पैर रखने के लिए जो कि एक लॉन्ग टाइम मतलब बड़ा सा जगह है। और यहाँ पे जो कि यहाँ पे स्क्रू के थ्रू या फिर ये रबर लॉक सिस्टम है इसका, जो कि ये वाला लगाने के ऑटोमेटिक जो कि नहीं गिरेगा। एंड यहाँ पे दोस्तों जो कि 5W और 5W का 2 स्पीकर है। एंड यहाँ बैक कैरी करने के लिए यहाँ पे जो कि लगा हुआ है। एंड यहाँ पे दोस्तों इसका जो कि USB पोर्ट है, यानी मोबाइल को इमरजेंसी में चार्ज करने के लिए। यहाँ पे दोस्तों बस इसका स्क्रीन है जो कि मेन व्यू, वो भी हम दिखाएंगे। एंड पीछे दोस्तों इसका जो कि सिस्टम है, जो कि ये पेट्रोल डालने के लिए, मतलब पेट्रोल तो आप इसमें नहीं डालोगे, आपको जो कि इलेक्ट्रिसिटी है मतलब बिजली को यहाँ पे चार्ज करना है सॉकेट, जो कि आपको एक 750 वाट का बड़ा सा एक चार्जर मिलेगा इसके साथ ही। एंड यहाँ पे दोस्तों इसको अनलॉक करने के लिए यहाँ पे जो कि फीचर्स यानी डिस्प्ले पे ऑन है, मैं आपको अभी इसको भी ऑन करके दिखाऊंगा। यहाँ पे देख सकते हो जो कि 2 मिरर है एंड 2 पैर रखने के लिए यहाँ पे सिंपल सा जो कि एल्यूमिनियम का है, PVC का नहीं है, जो कि क्वालिटी बेटर है। एंड यहाँ पे दोस्तों इसका टोटल वेट जो कि ऑलमोस्ट 1 क्विंटल 20 kg के आसपास है। तो एंड यहाँ पे दोस्तों इसका जो कि मेन जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। इसको दबाएंगे तो डिस्प्ले ऑन हो जाएगा, देख सकते हो ऑन हो चुका है। तो बाय डिफॉल्ट जो कि पासवर्ड आपको 00 ही मिलेगा, तो ये वाला रॉन्ग है जो कि हमने चेंज कर दिया, जो कि 4455 88। तो दोस्तों ऑटोमेटिक ऑन हो चुका है। ऑन होने का दोस्तों यहाँ पे इसका जो कि लाइट भी स्क्रीन शो होता है। एंड उसके बाद दोस्तों ये चूंकि इसका डिस्प्ले में बहुत सारे कुछ फीचर्स है, आप चाहे तो इसको ब्लूटूथ कनेक्ट करके यहाँ पे आप म्यूजिक चला सकते हो, जो कि स्पीकर दिया हुआ है उसमें। एंड यहाँ पे दोस्तों और भी चीज़ है, जैसे कि आप गूगल मैप से आप लोकेशन सर्च करके वहाँ पे आप बहुत ही ईजिली पहुँच सकते हो। एंड ये दोस्तों मतलब फ्री में होगा, कैसे कोई भी वो नहीं है, जैसे कि आपको वाईफाई कनेक्ट करना होगा। यहाँ पे देख सकते हो एंड कितने स्पीड हो गए, स्पीड में चल रहा है वो भी आपको ये बताएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे देख सकते हो अभी हम कहाँ पर हैं, यहाँ पे जो कि बीच में दिख रहा है, क्योंकि हम जो कि एक देख सकते हो कि इसके कहाँ पे बैकग्राउंड जो कि एकदम वो है। ठीक है, चलो मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे दोस्तों ये ब्लूटूथ कनेक्ट करके म्यूजिक चला सकते हैं। और यहाँ पे एक पार्टी मोड भी है यहाँ पे, इसको यदि हम सबसे पहले म्यूजिक प्ले करना होगा एवं जो कि ब्लूटूथ कनेक्ट करना होगा, जैसे नॉर्मल सा ब्लूटूथ कनेक्ट करते हैं ब्लूटूथ डिवाइस के साथ, वैसे आपको कनेक्ट करना है। ठीक है, एंड यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले इसको यहाँ पे कुछ इसका बटन है, जो कि ये पावर बटन एंड पावर ऑफ बटन है। ठीक है, और पावर ऑफ दोस्तों इसके अंदर एक फीचर से ऑटोमेटिक जो कि 30 सेकंड के अंदर या फिर 1 मिनट 30 सेकंड के अंदर जो कि ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे जो कि इसका मोड को हाई स्पीड में बढ़ाने के लिए गाड़ी को, एंड इसको म्यूजिक को प्ले एंड ऑफ करने के लिए, एंड यहाँ पे कॉल को रिसीव करने के लिए जो कि कुछ बटन है। एंड यहाँ पे दोस्तों जो कि अपर डिपर के लिए ये वाला जो कि बटन है, एंड ये इंडिकेटर के लिए लेफ्ट एंड राइट। एंड यहाँ पे जो कि हॉर्न है देख सकते हो, एंड ये जो कि लेफ्ट वाला जो कि इंडिकेटर आपका लगेगा यहाँ पे देख सकते हो, एक यूनिक कलर है। एंड यूनिक नहीं, इसके मतलब पतला सा एवं एनर्जी सेविंग भी होगा एंड लुकिंग भी आएगा, इसलिए जो कि लेफ्ट वाला इंडिकेटर और वही जो कि लाइट वाला जो इंडिकेटर एकदम अच्छा लगा मेरे को, यहाँ पे देख सकते हो। एंड अभी इसको करते ऑफ, और ये अपर डिपर है, मैं आपको अपर डिपर लगा के दिखाता हूँ।
अपर डिपर में एक लाइट जलेगा एवं इसको दोस्तों इंडिकेटर को ऑफ करने के लिए सबसे पहले दो बार दबाना पड़ेगा वही बटन को। यहाँ पे देख सकते हो एक अपर डिपर में आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये है एक लाइट जो कि नीचे के लिए और ये दो लाइट जो कि लाइट को ऊपर के लिए। यहाँ पे पावर का है जो कि आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम होगा। एंड दोस्तों मैं एक दो महीने बाद इसका रिव्यू वीडियो भी आपको दिखाऊंगा किस टाइप का जो कि है। यहाँ पे दोस्तों इसका जो कि टोटल चार्जिंग परसेंटेज देख सकते हो जो कि 62 चार्जिंग परसेंट है। एंड कितना जो कि किलोमीटर हम चला सकते हैं वो सब कुछ यहाँ पे आपको डिस्प्ले में दिखाएगा। एंड टॉप स्पीड भी वो सब कुछ आपको शो करेगा, ठीक है। तो चलो मैं दोस्तों और आप इसको परचेज करके अब चला चला के मतलब खुद ही आपको बेटर समझ में आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों और एक अच्छा चीज़ लगा जो कि इसके अंदर रिवर्स भी सिस्टम है। तो इसको दोस्तों रिवर्स चलाने के लिए आपको सबसे पहले इसको इंजन को स्टार्ट करना होगा। इंजन नहीं इलेक्ट्रिक मतलब जो कि इसको, तो सबसे पहले इसको इसको दबाना है आपको जो कि क्लच को, उसके बाद दोस्तों आपको इसको दबाना होगा। तो चलो मैं इसको दबा देता हूँ। तो दोस्तों ये यहाँ पे सबसे पहले हमें स्टैंड को उठाना होगा, ठीक है। इसके अंदर वही सेंसर टाइप का है, उसके बाद दोस्तों हमें ये दबाना होगा तभी दोस्तों आपका काम देगा। जैसे कि स्टैंड हमने अभी उठा दिया, देख सकते हैं स्टैंड यहीं पे रुकता है। इसको अभी हम जब इसको दबाएंगे ऑटोमेटिक जो कि ये पार्किंग मोड में आ जाएगा, ठीक है। तो चलो मैं इसको यहाँ पे दिखाता हूँ, पार्किंग मोड है इसको। जब भी मैं मतलब सबसे पहले इंजन को स्टार्ट कर लेता हूँ, मतलब जो कि ये स्टार्ट हो चुका है। इंजन नहीं है जो कि इसका पावर सप्लाई है। इसको जब भी हम इसको दबाएंगे देखोगे ऑटोमेटिक पार्किंग मोड आ जाएगा। ये देखो ऑटोमेटिक पार्किंग मोड आ गया जो कि स्टैंड के अंदर जो कि इसका फंक्शन है। अभी दोस्तों इसको सीट को खोलने के लिए यहाँ पे जो कि एक वो है बटन, इसको दबाओगे तो आपका जो कि सीट खुल जाएगा। यहाँ पे देखो सीट खुला हुआ है जो कि ऑप्शन है और सीट खुल चुका है। यहाँ पे दोस्तों सबसे अच्छा चीज़ लगा जो कि बड़ा सा स्पेस है एंड जो कि नॉर्मल सा टूल्स मिलता है और ये जो कि मेडिकल का कुछ वो है बोल सकते हो जो दवाई है। चलो मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। अभी दोस्तों हम इसको चला के आपको दिखाते कितना ये दोस्तों जो कि इसका टॉप स्पीड है 100। दोस्तों इसको इसको दोस्तों ऑफ करने से ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। इसको दोस्तों टॉप स्पीड है 116 जो कि मतलब स्पीड है। चलो मैं इसको अभी चला के आपको दिखाता हूँ कितना स्पीड में ये वाला चलता है। एंड यहाँ पे टॉप स्पीड भी शो कर देगा। चलो मैं चला के आपको दिखाता हूँ एंड बताता हूँ एंड उसका डिस्प्ले के बारे में हम बताएंगे। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसको जो कि परचेस करने में कितना प्राइस लगा है। तो इसका दोस्तों एक्चुअल प्राइस जो कि 1,39,000 रुपया। एंड यहाँ पे दोस्तों एक शोरूम जो कि शोरूम के अंदर इसका प्राइस आपको 1,25,000 रुपये एंड जो कि इंश्योरेंस वगैरह ये सब का एक्स्ट्रा जो कि लगता है। एंड उसके बाद दोस्तों अभी हम इसको आप चाहे तो ईएमआई जैसे फाइनेंस सिस्टम से भी आप परचेज कर सकते हो। एंड इसको दोस्तों हमने जो कि फाइनेंस सिस्टम से ही परचेज किया हूँ। एंड यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगा, जैसे कि इसको परचेज करने के बाद रिस्पॉन्स थोड़ा कम लगा जो कि एक हफ्ते बाद आएगा लिखा मतलब वहाँ पे दिख रहा था। तो दोस्तों जो कि हमें मिला है लगभग एक महीने बाद, तो ये थोड़ा बहुत ही लॉन्ग टाइम लगा हमें। चलो फिर भी मिल गया है क्योंकि इसका जो कि अभी नया आया ना मार्केट में, तो इसका सब जगह पे सर्विसिंग सब जगह पे जो कि डिलीवर करना उनके पास थोड़ा मुश्किल की बात है। तो चलो मैं आपको इसको चला के दिखाता हूँ इसका जो कि किस टाइप का जो कि कितना आरपीएम है कैसा है, मैं आप खुद ही देख सकते हो। चलो मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। आप इसका जो कि बैटरी स्टेटस में आके आप देख सकते हो जो कि कितना परसेंटेज चार्ज है जो कि 62% है। अभी दोस्तों गाड़ी को यदि स्लो में चलाओगे तो आपका जो कि 106 किलोमीटर तक ये वाला जाएगा एंड गाड़ी को यदि आप स्पीड में चलाओगे तो आपका जो कि 64 किलोमीटर तक जाएगा। तो चलो अभी हम इसको चला के देखते हैं इस टाइप का, आप खुद ही देख कर पता कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले आपको स्टैंड को उठाना है, उसके बाद क्लच को दबाना है। चलो मैं डिस्प्ले को लाता हूँ, इसका क्लच को दबाना है, इसको दबाना है। देख सकते हो गाड़ी रेडी है जाने के लिए। अभी क्लच को छोड़ना है और एक्सीलेटर को मोड़ना है, तो जब ऑटोमेटिक चलना चाहिए। और ब्रेक जो कि सही है जो कि डिस्प्ले क्या जैसे इसको रिवर्स के लिए यहाँ पे एक बटन है इसको दबाओ, ये ऑटोमेटिक जो कि आपको एक्सीलेटर को भी उल्टा घुमाना है तो ऑटोमेटिक जो कि पीछे आएगा, ठीक है। चलो मैं आगे ले लेता हूँ, चलो मैं थोड़ा राइड करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। आप खुद ही देख सकते हो जो कि किस टाइप का जो कि चल रहा है। तो बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा जिससे इंजन गाड़ी के अंदर आप रफा रफ चला सकते हो उस टाइप का है। पिकअप भी एकदम जबरदस्त है, ठीक है। तो खैर जो भी है मैं आपको बता दिया हूँ इस ये वाला कैसा है गाड़ी। तो कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। तो खैर आपको लेना चाहिए या नहीं, तो एक मेरे हिसाब से बेटर ऑप्शन है आपको यदि लोकल के अंदर घूमना है एंड कम जगह के अंदर मतलब जो कि आपका डिस्टेंस है, तो आप इसको बिल्कुल ही परचेस कर सकते हो।
तो हमारा जो कि लोकल के अंदर इसका जो कि चलाना है, इसलिए जो कि हम इसको परचेस किए। तो खैर आज के वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।